press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यूनुस खान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि डीडवाना में आयोजित गौरव सेनानी रैली के दौरान उन्होंने अन्य लोगों की तरह भारत माता की जय नहीं बोली। डीडवाना में हुए गौरव सेनानी रैली के दौरान जब मंच से भारत माता की जय का नारा लगाया गया तो मंत्री खान और मकराना विधायक श्रीराम भीचर इधर उधर झांक रहे थे, जबकि उनके पास खड़े केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी सहित राजस्व विभाग राज्य मंत्री अमरा राम और अन्य अतिथि हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल रहे थे। गौरव सेनानी रैली में जब उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली तो किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि गत वर्ष 26 नवंबर को छोटी खाटू में आयोजित हिंदी पुस्तकालय के साहित्य सम्मान समारोह में भी मंत्री ने अतिथि सत्कार के दौरान लगाए गए तिलक को हटा दिया था। उन्होंने अतिथि की कुर्सी पर बैठते ही अपना माथा रगड़ रगड़ कर साफ किया। फिर जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो मंत्री यूनुस खान ने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू कर देखा कि कहीं तिलक के अंश माथे पर रह तो नहीं गए। इसके अलावा मंत्री खान ने डीडवाना में एक स्कूल के कार्यक्रम में तिलक लगाते समय बालिका को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया था। मंत्री द्वारा बालिका का हाथ पकड़ने का फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके अलावा आरोप है कि मंत्री बनने के बाद जयपुर में जब उन्हें बंगला आवंटित किया गया तो उस बंगले में स्थित शिव मंदिर को मंत्री ने हटवा कर बाहर शिफ्ट करवा दिया। कुल मिलाकर इन घटनाओं ने सवाल उठाया है कि आखिर इन नेताओं द्वारा किए जाने वाले सांप्रदायिक सद्भाव के दावों पर कितना यकीन किया जा सकता है।